नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 28 नवंबर का दिन निर्वाचन आयोग द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए मतदान के लिए निर्धारित किया गया है। मैं आप सभी लोग से अपील करता हूं, 28 नवंबर को मतदान अवश्य करें और अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, वे आगे आए और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी बने। आपका वोट आपकी ताकत है। मतदान क्यों जरूरी है? लोगों को जागरूक करने के लिए डीएवी अमलोरी के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, तो आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप सबके सामने चुनाव के जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि श्री एस के सिंह सर द्वारा लिखा गया और श्री सुब्रत राय सर एवं शाहिद खान सर द्वारा निर्देशित किया गया है। तो आइए हम सब इसे देखें और इससे कुछ सीखें। लीजिए, प्रस्तुत है। चुनाव में फिर से खड़ा हूँ, तुम सब वोट मुझे ही देना, समझे कि ना समझे। हम सब आपको ही क्यों वोट दें? आपने किया ही क्या हमारे लिए? गिफ्ट दिया था पिछली बार, फिर से मिलेगा। ये पुरानी टीवी बदल दो, नई एलईडी टीवी ले आओ, समझ, ठीक है ना? जाइए जाइए, हमें लालच ना दीजिए, अब की बार हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। चलिए जाइए। सर, मामला गड़बड़ डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ करे के पड़ेगा। जेवासी की देखो, चुनाव 28 नवंबर को है, रात तक सबको मना लिया जाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक, समझे कि ना समझे। जी जी सर, बिल्कुल समझ गया। आओ लोगों, तुम्हें दिखाए मता मतदार की, हर एक वोट की कीमत और उसके अरमान की। वंदे मातरम। देखो ये नेता कैसे लोगों को बहलाता है, घर घर जाकर कैसे ये लोगों को ललचाता है। वंदे मातरम। आगे अब ये क्या करेगा, सोच के जी घबराता है। ऐसे लोगों को तुमने देना अपना मतदान जी, अच्छे लोगों को चुनकर बनाओ अपनी पहचान जी। वंदे मातरम।
सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। नमस्ते। अब तुम कौन हो भाई? मैं एक आम नागरिक, मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ आपके क्षेत्र से। हेलो, एक और, अब आप क्या सपने बेचने आए हैं? ना ना ना, मैं सपने बेचने नहीं आया हूँ। मैं आप सबको चांद तारे लाकर नहीं देने वाला। हाँ, आपकी बुनियादी जरूरत की सभी चीज़ों को आप सभी के लिए सबसे पहले उपलब्ध करवाऊँगा। ये लीजिए, इसमें मेरे और मेरे द्वारा किए गए सारे कार्यों का ब्यौरा है। आप सभी वोट सोच समझ कर दें। और हाँ, एक बात और, आप सभी वोट मुझे दें या ना दें, लेकिन आने वाली 28 नवंबर को आप सभी वोट देने जरूर जाएं। धन्यवाद। यह आदमी तो पढ़ा लिखा लगता है, अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, हमें इसे ही वोट देना चाहिए। अरे, ये वोट क्या होता है? क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? मुझे भी वोट देना है? नहीं, तुम वोट नहीं दे सकते। क्यों, मैं वोट क्यों नहीं दे सकता? वोट यानी मत, अपना मत। संसद, विधानसभा, निकाय, पंचायत, कई संस्थाएं हैं जहाँ के लिए प्रतिनिधियों को चुनना होता है। हर एक प्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, पंचायत में वहाँ के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ही चुनकर भेजने के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें देश का बालिग मतदाता अपना मत देता है। 18 वर्ष या उससे ऊपर भारतीय नागरिक मत देने का अधिकारी होता है। हाँ, वह पागल नहीं होना चाहिए और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें। अपने जनसेवक का हम, अपने जनसेवक का हम ठीक से पहचान करें, ठीक से पहचान करें, आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें। क्या दादा क्या दादी अम्मा, क्या दादा क्या दादी अम्मा, क्या चाची क्या चाचा मामा, क्या चाची क्या चाचा मामा, क्या अपने घर वाले, क्या अपने घर वाले, क्या पड़ोस में रहने वाले, क्या पड़ोस में रहने वाले। आओ हम सब मिलकर भैया, आओ हम सब मिलकर भैया एक नया विहान करें, एक नया विहान करें। आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें, आओ हम मतदान करें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अरे भाई, तुम सब वोट दे के आ गए क्या? वोट दे कर क्या होगा, मेरी जाति का कोई खड़ा ही नहीं है, मैं किसे वोट दूं? अरे यार, जाति का छोड़ो, मेरे तो इलाके का भी कोई नहीं है, मैं किसे वोट देने जाऊं? अरे यार, यही हाल तो मेरा भी है, मेरे भी धर्म वाला कोई नहीं है, मैं तो दूसरे धर्म वाले को वोट देने से रहा। अरे छोड़ो यार, क्या जात पात या अपना पराया, अपना इलाका अपना धर्म, किस फेर में पड़े हो तुम सब? मुझे तो कोई प्रत्याशी ढंग का लग ही नहीं रहा है। अरे कोई फायदा वायदा हो तब ना, ये क्या बात हुई, वोट हम दे मजे वो करे। अरे यार, तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? कहाँ से आ गए रंग में भंग डालने, बड़े दिन पर तो एक छुट्टी मिली थी, इसे तो बर्बाद मत करो, कुछ मौज मस्ती करो और हमें भी करने दो। ये क्या, वहाँ जाके लाइन में चुपचाप खड़े रहो, खड़े खड़े पैर दुखने लगे और चाय पानी पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है, नहीं भाइयों? अगर मैं वोट देने ना जाऊँ तो क्या धरती पलट जाएगी, आसमान फट जाएगा? मेरे एक वोट ना देने से क्या होगा? बोलो, दो चाय मत दो। दोस्तों, देखा आपने, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। हमारी आपसे यह अपील है कि मतदान करते वक्त आप जात पात, क्षेत्रवाद, धर्म आधारित किसी भी सोच को हावी ना होने दें। पहली बात, आप मतदान अवश्य करें। दूसरी बात, निष्पक्ष होकर सही उम्मीदवार का चुनाव करें। सोच समझ कर वोट तुम देना।
देना, झूठ सुन लेना। आओ अब हम आगे देखें, आओ अब हम आगे देखें, शायद इससे कुछ हम सीखें, शायद इससे कुछ हम सीखें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अरे यार, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। वो जिसने कुछ नहीं किया वह चुनाव जीत गया, और वह जो कुछ कर सकता था वो हार गया। हार गया, हार गया, गया। जानते हो कितने वोटों से हारा? कितने? 5 वोटों से। ए वाह, बहुत अच्छा। यानी हमारे वोट ना देने का कारण हार गया। ऐसा लगता तो है, अगर सभी लोग वोट देने जाते तो शायद परिणाम कुछ और होता। वोट देना हमारा कर्तव्य है, इसे हम अपना अधिकार समझकर अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारा एक एक वोट कीमती है। चुनाव एक महापर्व है, इसकी सार्थकता को बनाए रखने के लिए हर मतदाता को निष्पक्ष होकर अपना मत जरूर देना चाहिए। क्या से क्या हो गया चुनावी चाल में, क्या था सोचा क्या होगा आने वाले साल में, क्या से क्या हो गया। मतदान करें ईमानदारी से, चयन करें समझदारी से, केवल आपका अधिकार आपका वोट।